हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे एमपी सिलेक्शन टेस्ट की आपकी यूनिट 18 का टॉपिक है इंडिया अवर मदरलैंड, जिसके राइटर हैं स्वामी विवेकानंद। तो चलिए इसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। फटाफट से इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को करते हैं। तो चलिए विवेकानंद के बारे में जाने। तो विवेकानंद का जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 12 जनवरी 1863 बंगाली फैमिली कलकत्ता में। मॉर्निंग टाइम पर हुआ था और मंडे को हुआ था, संक्रांति के समय पर। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 4 जुलाई 1902 में। 39 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी। कहाँ हुई थी? बेलूर मठ कलकत्ता में। किस वजह से हुई थी? रैप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। आगे बात करें तो इनके पेरेंट्स की, तो इनके पेरेंट्स, इनके फादर का नाम था विश्वनाथ दत्त, जो 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनकी जो मदर हैं उनका नाम था भुवनेश्वरी देवी। इनका चाइल्डहुड नेम था नरेंद्रनाथ दत्त और इनका जो निकनेम था वो था बिल्हू। आगे बात करें तो जो ये आपका ऐसे है अवर मदरलैंड, ये इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वैदांतिक फिलॉसफी पर शिकागो में 1893 में। तो उस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो स्पीच दी थी वही आपके इस मदरलैंड में बताई गई है। आगे देखें तो व्हाट वाज स्वामी विवेकानंद मोटो, इस जो चैप्टर है इसमें स्वामी विवेकानंद का मोटो क्या था, तो इनका मोटो था स्ट्रगल स्ट्रगल। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है आपका गेट अप एंड पुट योर सोल्जर्स टू द फील्ड। तो यहाँ पर जो ये फ्रेज या idiom दिया गया है इसका मीनिंग क्या है? तो पुट योर सोल्जर्स टू द व्हील का मतलब होता है वर्क हार्ड या फिर मेक अ स्ट्रेनस एफर्ट, मेहनत करना, प्रयास करना। आगे देखें तो अकॉर्डिंग टू विवेकानंद अराइज अवेक बी यू माई हेल्पर्स, यहाँ पर क्या आएगा? हेल्पर्स। आगे क्वेश्चन नंबर 8, नेम थ्री वुमेनहुड डिस्क्राइब्ड इन अवर मदरलैंड। अवर मदरलैंड में कौन सी तीन वुमेनहुड के बारे में बताया गया है? सीता, सावित्री एंड दमयंती। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, हुज मैरिज इज डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में किसकी मैरिज को डिस्क्राइब किया गया है? तो भगवान शिव और उमा जो मैरिज के बारे में थोड़ा सा इन्होंने जिक्र किया है। आगे देखें तो द रूट ऑफ ऑल इवल्स, स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग सारी जो इवल्स हैं, बुराइयां हैं, उसकी जड़ क्या है? तो द कंडीशन ऑफ पुअर, जो गरीब लोग हैं उनकी कंडीशन को इन्होंने सारी इवल्स की रूट बताया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद द ग्रेट नेशनल सिन, विवेकानंद के अनुसार जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय सिन है, पाप है, तो वो क्या है? द निग्लेक्ट ऑफ मासेस, आम लोगों को निग्लेक्ट करना, ये सबसे बड़ा नेशनल सिन है। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, विवेकानंद के अनुसार लव इज लाइफ, हैटर्ड इज डेथ, जो लव है वो लाइफ है और जो नफरत है वो डेथ के समान है। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज़ द सोल ऑफ नेशन, विवेकानंद के अकॉर्डिंग जो राष्ट्र की आत्मा है, सोल है, वो कहाँ है? इन रिलीजन, धर्म में। बीवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज अनट्रू, स्टिक टू ट्रूथ एंड वी शैल सक्सीड, मे बी स्लोली बट श्योरली। ये विवेकानंद जी ने बोला है कि यदि हम सत्य से जुड़े रहते हैं तो हम सफल होंगे, भले ही धीरे धीरे लेकिन श्योरली हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये लाइन कहाँ पर कही गई है? इंडिया अवर मदरलैंड में। अगला देखें, इट इज़ बेटर टू डाई ऑन द फील्ड ऑफ ड्यूटी, मतलब ड्यूटी करते हुए मरना ज़्यादा बेहतर है, कहाँ पर मरने की अपेक्षा? द ट्रूथ देन टू डाई लाइक अ वर्ल्डली वॉर्म, एक सांसारिक कीड़े की तरह मरने की अपेक्षा अपनी ड्यूटी करते हुए, सत्य को प्रीच करते हुए मरना ज़्यादा अच्छा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।